हमने जाना है डाउन साइड पे, डाउन साइड मतलब कोटरी की साइड पे जाना है इस तरफ को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? मैं हूं जुनैद गुजर और आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि हम मालगाड़ी जो वर्क करते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ आरजी भाई रोडी गुड्स यार्ड। इनका ये एक स्टेशन है जो कि रोडी डायमंड क्रॉसिंग जो है, डायमंड क्रॉसिंग से एक लाइन जाती है शर्ट से स्टेशन की तरफ और दूसरी आती है रोडी गुड्स यार्ड की तरफ। तो ये रोडी गुड्स यार्ड अगर मैप में देखा जाए तो रोडी स्टेशन के बिल्कुल पैरेलल है, मतलब बीच में कॉलोनी है रेलवे की और उसके परली तरफ रोडी गुड्स यार्ड है। तो यहाँ से सारी मालगाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से जाती हैं। तो आज जैसा कि मैंने आर जी वाई का बताया है तो आप समझ तो गए होंगे कि आज हमने वर्क करनी है एक गुड्स ट्रेन। अच्छा तो भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज जिस तरह के रोडी गुड्स यार्ड में मौजूद हैं तो यहाँ से हमने एक गुड्स ट्रेन वर्क करेंगे। अब गुड्स ट्रेन की एक तो वर्किंग आपको बतानी है, दूसरा मकसद इसका यह है कि गुड्स ट्रेन चूँकि मेल एक्सप्रेस जो गाड़ियाँ होती हैं उनको वे भी देती है, तो जिसकी वजह से बहुत से ऐसे छोटे स्टेशन जहाँ पर मेल गाड़ी का स्टॉप नहीं होता या आम दिनों में हम वहाँ नहीं जा सकते, तो वहाँ का उस स्टेशन को थोड़ा सा या उस जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाएगा। तो अभी हैं हम आर जी वाई, तो आपको थोड़ा सा हम आर जी वाई स्टेशन के बारे में बताते हैं। ये गाड़ी के पीछे मेरे अकब में जो है स्टेशन बिल्डिंग नज़र आ रही है और इस स्टेशन की ख़ास बात यह है कि मेरे वालिद जो हैं वो यहाँ पे स्टेशन मास्टर हैं, तो उन्होंने मतलब काफ़ी अर्सा यहाँ पे अपनी सर्विस की है। पहले तो यहाँ सारा ये जो है आपको दिखाता हूँ, यहाँ सारा जंगल होता था, रात के टाइम आने का बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता, ऐसा होता था यहाँ से। अब तो खैर बहुत आबादी हो गई है, ये सारे घर बन गए हैं, अब तो रात के टाइम कई दफ़ा 2-3 बजे हमारी गाड़ी आती है, अगर गुड्स ट्रेन पे वर्क कर रहे हो तो हम यहीं से आके वर्क करते हैं। तो चलें आपको थोड़ा स्टेशन दिखाते हैं। अच्छा ये है स्टेशन बिल्डिंग और स्टेशन बिल्डिंग में ये वाला एएसएम का दफ्तर है, इसके बराबर में ट्रेन सेक्शन और ये टीएक्सआर का दफ्तर है और ये ऊपर वाला जो है ड्राइवर्स का वेटिंग रूम है कि गाड़ी से पहले वो यहाँ पे वेट करते हैं और ये साथ में जो है गार्ड्स का वेटिंग रूम है और ये टीएक्सआर दफ्तर है। तो ये छोटा सा है आजी वाई का स्टेशन की बिल्डिंग और ये छोटे से दफ्तर से। आरजीवाई में ट्रेन रिसीव करने के लिए और ट्रेन निकालने के लिए सिग्नल तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे पीएलसी दी जाती है और सेकंड ये कि कांटे जो भी हैं, जो भी पॉइंट्स हैं वो मैनुअल सेट किए जाते हैं जो कि पॉइंट्समैन सेट करते हैं। अच्छा वर्किंग के बारे में बताऊं गुड्स का, तो ये मालगाड़ी अभी यहाँ से हम जो लेके चलेंगे तो इसका टाइम टेबल के हिसाब से कोई भी स्टाफ नहीं है कोटरी तक, लेकिन 28 डाउन हमें पड़ेगी, उसका वे पड़ेगा, तो जहाँ भी यानी किसी भी मेल एक्सप्रेस का वे पड़ेगा तो वहाँ पे ये हमें लूप लाइन में लगा के उस ट्रेन को वे देंगे। हमने जाना है डाउन साइड पर, डाउन साइड मतलब कोटरी की साइड पर जाना है इस तरफ को। तो ये गाड़ी अब हमारी फिट हो रही है, तो फिट होने के बाद यहाँ से चलते हैं और आपसे नेक्स्ट बात तब करेंगे जब अगली जगह पे हमें हम स्टॉप करेंगे। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि हमारा स्टॉप जब हो तो उस टाइम अंधेरा हो चुका हो, तो फिर बात कल पे चली जाएगी, मतलब इंशाल्लाह ताला रात को हम पहुँच जाएंगे और उसके बाद कल फिर जो वापस ट्रेन लेके आएंगे। Go.
अच्छा हमें रोका है बेगमा जी स्टेशन पे, लूप लाइन में, और अभी 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस यहाँ से पास करेगी। और पुरसकून सा स्टेशन है ये, सिर्फ यहाँ पे गुड्स ट्रेन ही रुकती हैं फॉर वे। अभी रात का टाइम भी हो चुका है। ये एएसएम बिल्डिंग है, एएसएम का दफ्तर है ये, और मेन लाइन के सिग्नल ग्रीन हो चुके हैं। अब गाड़ी देखते हैं गाड़ी किधर है। गाड़ी नमूदार हो चुकी है, बेगमा जी स्टेशन से हमें क्रॉस कर रही है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस।